अब हम विभिन्न प्रकार के आवर्धनों के लिए संबंध उत्पन्न करते हैं। तो पहला हम लोग जिस आवर्धन के लिए संबंध उत्पन्न करते हैं उस वो है हमारा अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन, ठीक है, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन, ठीक है, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और अनुप्रस्थ मीन्स ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। हम लोग इसके लिए हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने से पहले, ठीक है, क्या करते हैं, माना एपी एक वक्राकार पृष्ठ चित्रानुसार एपी एक वक्राकार पृष्ठ चित्रानुसार इस प्रकार से है कि यह माध्यम वन व माध्यम टू जिनके अपवर्तनांक क्रमशः यू वन एम म्यू टू है को पृथक करता है, ठीक है, इनको पृथक करता है। तो हमारा एक वक्राकार पृष्ठ है ए पी, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, ठीक है, ये बिंदु है या इसको हम लोग ओ भी मान सकते हैं, अगर इसका एक भाग है वक्राकार पृष्ठ का, ये माध्यम एक है, ये माध्यम एक है म्यू वन और ये माध्यम दो है, इसका अपवर्तनांक म्यू टू है, इन दोनों को यह पृथक करता है, ओके। और ये हमारा वक्राकार पृष्ठ का एक भाग है, इस वक्राकार पृष्ठ की जो प्रकाश अक्ष है ये है हमारे प्रकाश अक्ष, ठीक है, ये इसकी प्रकाश अक्ष है, हम इस प्रकाश अक्ष को एन एन प्राइम मानते हैं, ठीक है, एन एन प्राइम प्रकाश अक्ष है जो ए बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी एन एन प्राइम प्रकाश अक्ष है जो पी बिंदु से होकर गुजरती है, अतः पी वक्राकार पृष्ठ का ध्रुव है, पी वक्राकार पृष्ठ का ध्रुव है, इसको हम लोग ध्रुव मानते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम एन, ठीक है, एम एन कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एम एन एक
भिम है, ठीक है, ये भिम प्रदेश है, भिम प्रदेश है, एक भिम है जो मध्यम वन में एक में ध्रुव से, ध्रुव पी से, ध्रुव या शेष पी से यू दूरी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यू यू दूरी पर स्थित है, कि यू दूरी पर स्थित है, इस एम से जो प्रकाश की किरण हमारी जो चलती है, ठीक है, एम से जो प्रकाश की किरण चलती है वो बिंदु ए पर इस प्रकार से मिलती है, देखो, ठीक है, ये बिंदु ए से इसके पैरेलल चलती है ये, चल यहाँ पे मिल गई, ठीक है, ये हमारा बिंदु ए है, ओके, ये बिंदु ए है और यहाँ से ये परावर्तित होगी, क्योंकि इसका हमने पृथ्वी है और इसका जो हमारा वक्राकार पृष्ठ है उसका जो केंद्र है वो सी है, वक्राकार पृष्ठ का केंद्र क्या है, सी है, ये सी बिंदु है हमारा, एम एन एक बिंब है सी वक्राकार पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, ठीक है, सी वक्राकार पृष्ठ का वक्रता केंद्र है तथा आर इक्वल टू पी सी इसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, तो ये जो हमारा वक्राकार पृष्ठ का जो भाग है उसका वक्रता केंद्र सी है और ये हमारा आर हो गया, यहाँ से ये दूरी हमारी आर होगी, ठीक है, ये तो सी है, ये आर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ से एक प्रकाश, ये जो बिंदु है, बिंदु एम से जो किरण चलती है वो यहाँ पे आ गई बिंदु ए पे, ठीक है, यहाँ से ये प्रथम फोकस बिंदु को होती हुई, इसका जो प्रथम सॉरी द्वितीय फोकस बिंदु है वहाँ से चलती हुई यहाँ आती है, ठीक है, और एक इस बिंदु एन से, इस एन से जो शीर्ष से होकर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो बिना रिफ्लेक्टेड हुई, बिना रिफ्रैक्शन के ये सीधी निकल जाती है, बिंदु एन पे आती है, ठीक है, और एक और जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, वो भी बिना रिफ्लेक्शन के इस बिंदु सी से चलती है वो, ठीक है, और ये यहाँ पे आके मिलती है, जिस बिंदु पे दोनों आके मिलती है ये बिंदु सी है, ठीक है, सी से होके आती है, इसे ठीक से बनाना ही नहीं तो सी से होके आएगी, ये बिंदु सी है, ओके, तो यहाँ तक ये हमारे आ रहे हैं, ये बिंदु सी है, सी बिंदु है, और इससे जो सीधी रेखा गई वो उसको इससे मिलाने पर लंब, इससे ये जो हमारा होगा ये प्रतिबिंब होता है, ठीक है, ये एन का प्रतिबिंब एन है, ये हमारा बिंदु एम का प्रतिबिंब होगा एम प्राइम, ठीक है, और इसकी हमारी यहाँ से दूरी होगी शीर्ष से, शीर्ष पी से, शीर्ष पी से प्रतिबिंब की दूरी, वी है, ठीक है,
और हमारा प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एन प्राइम एम प्राइम है, ठीक है। ये एम एन, ये एम एन है, इसका प्रतिबिंब होगा हमारा एम प्राइम एन प्राइम, यहाँ पे एम प्राइम एन प्राइम, ठीक है। ये एम एन है, इसका प्रतिबिंब हमारा ये आ गया। ये हमारे पास में इतनी जानकारी है। इसके अलावा हम लोग एक काम और करते हैं, इस बिंदु ए को, बिंदु ए को क्या करते हैं, बिंदु ए को सी से मिला देते हैं, बिंदु ए को सी से मिलाते हैं, ठीक है। अब बिंदु ए को अगर हम सी से मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो मैं मिलाता हूँ, जे मैंने मिला दिया, ओके। और इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ, चूँकि बिंदु सी जो वक्रता वक्र पृष्ठ है उसका केंद्र है, तो इस केंद्र से इसके प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी, अतः एसी क्या होगी, एसी वक्र पृष्ठ के भाग, एसी वक्र पृष्ठ के भाग, एसी वक्र पृष्ठ के भाग एपी के बिंदु ए पर अभिलंबित है, अभिलंबित है, ठीक है, ये इस पे अभिलंबित है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु एन से ए को मिलाते हैं, चूँकि यहाँ से किरणें जो निकलती है इस बिंदु से सभी दिशा में जाती है, और जाने के बाद में वो इस पे ही मिलती है आके वापस, इसलिए ये एन का प्रतिबिंब बनता है इससे। तो इससे जो किरण जाएगी, एक हमारी किरण हो जाएगी, वो ए दिशा में जाएगी, ठीक है। और ए से रिफ्रैक्शन के पश्चात वो भी हमारी बिंदु एन पे जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये फिगर बन गया। देखो यहाँ पे एम का भी जो प्रतिबिंब बनता है एम प्राइम, वहाँ पे भी एम से जो किरणें जाती है इस पूरे मिरर पे पड़ती है, यहाँ पे दर्पण पे इस पूरा जो पृष्ठ है उस पर पड़ती है, यहाँ पे सब जगह, और पड़ने के बाद में वो इस बिंदु पे आके मिलती है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है एम बिंदु का। और एन बिंदु का प्रतिबिंब भी इस तरह से बनता है कि इससे निकलने वाली किरणें सब दिशा में जाएगी और वो वापस आके यहाँ एन पे मिलती है, जैसे यहाँ से निकलने वाली सीधी यहाँ आ गई, तो बाकी जो ये वाली किरण है वो भी यहाँ पे आएगी। उसी प्रकार से हमारा एम का प्रतिबिंब बना था, यहाँ से चली ए पे गई, रिफ्रैक्शन के पश्चात यहाँ आ गई, और ये फिर यहाँ से एक सीधी रेखा जो निकलती है वो सेंटर से होती हुई जाती है, ठीक है। और देखो ये जाती है, ये हमारे प्रथम फोकस बिंदु है, सॉरी द्वितीय फोकस बिंदु है, उससे होके जाती है, ये हमारी एफ टू है, ये क्या है हमारा F2 है, ठीक है। अब देखो इस N बिंदु का से जो प्रकाशित किरण A की ओर जा रही है, माना वो कितना कोण बनाती है, वो थीटा वन कोण बनाती है यहाँ से, और ये जब यहाँ मिलती है तो ये कितना कोण बनाती है, माना ये कोण हमारा थीटा टू है, ये एंगल कितना है हमारा थीटा टू है, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा टू है। अब देखो ये जो AC है ये इस वक्राकार पृष्ठ के लंबवत है, और इस पे ये किरण आपतित है, तो अभिलंब से कितना कोण बना रही है, ये हमारा आई एंगल बना रही है अभिलंब से, ठीक है, ये अभिलंब से आई कोण बना रही है, और अभिलंब से यहाँ से अपवर्तन होने के पश्चात ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है, ये हमारा आर कोण है ना, है आर है ये एंगल, ठीक है। उसी प्रकार से चूँकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अभिलंब है, तो ये 180 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल कितना होगा हमारा, ये जो एंगल बचता है हमारा यहाँ से दोनों के बीच का, ठीक है, ये हमारा होता है 180 माइनस आई, ठीक है, ये 180 माइनस आई होता है। अब हम लोग ये हमारा ग्राफ था, सिंपली इसको हम लोग यहाँ पर, चूँकि हमारा बार बार काम आ सकता है इसलिए इसको हम लोग एक अलग से ही इस पेपर पे ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें ड्रा करने पे
के हमारा बिंदु ए है, ठीक है, और के हमारा ये किरण हमारे सी से जा रही है, और ये हमारा प्रथम फोकस बिंदु से जाएगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिल रही है। ओके, ये हमारा एम है, ये एन है, ये एन प्राइम है, एम प्राइम है, ठीक है, और ये हमारा आर हो गया, और ये सी को इससे मिला दिया मैंने, ये लो सी को इससे मिला दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने इस ए से मिला दिया, बिंदु ए से, और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में बिंदु इससे मिली, ये हमारा एफ टू है, और ये हमारा अभिलंब से कोण आई बना रही है, ये आई माइनस पाई माइनस आई हो गया, ये जो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो एंगल बना रही है ये वाला, ये आर एंगल है, और ये हमारा थीटा वन है, ये हमारा थीटा टू, ठीक है, सेम ग्राफ है। अब हम लोग यहाँ से इसको काम ले सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, इसका इमेज यहाँ बन गया। अब हम क्या करते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल दे, ठीक है, अनुप्रस्थ आवर्धन। तो अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होगा, अनुप्रस्थ आवर्धन होगा कि अक्ष के जो अभिलंब जो इमेज है हमारी, उसकी हाइट और जो उसका साइज है उसको डिवाइडेड बाय करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होगा, अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है, इक्वल टू अनुप्रस्थ आवर्धन, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर एम प्राइम एन प्राइम, एम प्राइम एन प्राइम, क्या है, हम लोग इसको अगर सही से कहे तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, ये भाई पेम का आकार, ठीक है, पे यहाँ पे आकार या उसकी लंबाई, ठीक है, आकार या लंबाई। अब हमारे यहाँ पे देखो प्रतिबिंब का आकार क्या है, एम प्राइम एन प्राइम है, एम प्राइम एन प्राइम डिवाइडेड बाई बिंब का आकार क्या है, एम एन, ओके, एम एन है। हम एक काम और करते हैं, इसको हम लोग वाई वन और इसको हम लोग वाई टू मानते हैं, ठीक है, माना माना एम एन इक्वल टू वाई वन तथा एम प्राइम एन प्राइम इक्वल टू वाई टू है, तब आवर्धन एम होगा, क्या होगा आवर्धन, एम इक्वल टू एम प्राइम एन प्राइम डिवाइड बाई एम एन इक्वल टू y2 टू डी बाई वाई वन, ये हमारा आवर्धन आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर एक। यहाँ से हम लोग अब हम आवर्धन का अनुमान लगाते हैं कि आवर्धन कितना आया। यहाँ पे हमारा देखो जो शीर्ष है ये है, अब हम लोग प्रकाश के में क्या करते हैं, जो साइन कन्वेंशन चिन्ह पद्धति को अगर उपयोग करते हैं तो हमारी जो U है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, और V पॉजिटिव आएगी, और जो हमारा Y1 है वो तो पॉजिटिव आएगा लेकिन Y2 है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस में रखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा
एम हो गया, ये हमारा एम हो गया, माइनस एम एन इक्वल माइनस फाई टू हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे ज्यामिति का यूज करते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है एम सी एन और एक है एम सी एन प्राइम, ठीक है, ये क्या होते हैं, सर्वसम होते हैं, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर है, तो इस क्या है, सर्वसम के नियम लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज त्रिभुज एम सी एन एम त्रिभुज एम प्राइम सी एन प्राइम सी, क्योंकि दोनों सर्वसम है, अतः दोनों क्या सर्वसम है, अतः क्या होगा एम एन डिवाइड बाई एम प्राइम एन प्राइम, एम एन डिवाइड बाई एम प्राइम एन प्राइम इक्वल टू, ये हमारी होगी सी एन, सी एन डिवाइड बाई सी एन प्राइम, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा, जो ये 90 डिग्री है हमारा ये एंगल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये हमारे देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये वाला ये एंगल, तो दो कोण बराबर है, तो सर्वसम का नियम लगा सकते हैं हम लोग, लगा दिया सर्वसम का नियम। तो इस जो एम सी एन त्रिभुज में और त्रिभुज एम प्राइम सी एन में क्या होगा, हम लोग दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू एन सी डिवाइड बाई एम सी एन प्राइम, ठीक है, वही कि हमने एम एन डिवाइड बाई एम प्राइम एन प्राइम इक्वल टू सी एन डिवाइड बाई सी एन प्राइम। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हमारी जो एन सी है उसको हम लोग एन पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, और जो हमारी सी एन प्राइम है उसको हम लोग पी सी माइन पी एन प्राइम माइनस पी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, सी एन इक्वल टू सी एन क्या होगी, सी टू एन, इसको दो भागों में बांट दिया, एन यहाँ पे ओ है लेकिन यहाँ पे हमारा पी है, ठीक है। तो हमको सी एन इक्वल टू क्या होगा, सी एन इक्वल टू सी पी प्लस पी एन, ठीक है, डिवाइड बाई हमारी सी एन प्राइम कितनी होगी, पी एन प्राइम माइनस इस पूरी पी एन में से अगर हम लोग पी सी कम कर दें, पी सी ये होगी हमारी। अब हम लोग इसको घटाते हैं तो सी पी कितनी है हमारी, सी पी इक्वल टू यू है, लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे तो ये हमारी माइनस यू आएगी, ठीक है, माइनस यू आएगी, और हमारी पी ओके सी पी तो हमारी यू नहीं है, हमारी आर है सी पी, ठीक है, सी पी है ये हमारी पॉजिटिव आएगी तो ये हमारी आर होगी, और वो हमारा पी एन है, ये पी एन है नेगेटिव माइनस यू आएगा, डिवाइड बाई पी एन प्राइम, पी एन प्राइम हमारी कितनी है, फी है, ये एन प्राइम यहाँ पे आने का, ठीक है, यहाँ पे एन प्राइम हमारा, ये हमारे कितने वी है, और ये हमारी जो पी सी है वो हमारी आर वक्र त्रिज्या, ठीक है, ओके। तो ये हमारी होगी एम एन डीवे एम प्राइम एन प्राइम, ये होगी, ठीक है। अब देखो एम एन की वैल्यू ना हम लोग यहाँ से रखते हैं, एम एन इक्वल वाई वन है, एम एन प्राइम एम प्राइम एन प्राइम इक्वल माइनस वाई टू है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम एन प्राइम माइनस, मेरा को इसको, ठीक है,
यहाँ पे माइनस लग रखते हैं हम लोग। हालांकि मैग्नीफिकेशन हमारा वाई टू डिवाइड बाई वाई वन ही आएगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो हमारा माइनस वाई टू डिवाइड बाई वाई वन इक्वल टू आर माइनस, सॉरी ये हमारा वाई वन डिवाइड बाई वाई टू है, वाई वन डिवाइड बाई वाई टू, ठीक है। आर माइनस यू अपॉन वी माइनस आर ऐसे आता है। इसको हम और अच्छे तरह से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वाई वन डिवाइड बाई वाई टू इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, आर माइनस यू, ठीक है। सॉरी इसको ही हम लोग चेंज करते हैं, या हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं आर माइनस वी, ठीक है। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग यू माइनस आर डिवाइड बाई वी माइनस, जैसे हमारी इच्छा वैसे हम लोग इसका साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया कि वाई वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू यू माइनस आर वी माइनस आर। या फिर हम लोग इसका एक या तो ऊपर वाले का साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, या नीचे वाले का। यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर वाले का करते तो यू माइनस आर आ जाएगा ये, अगर हम नीचे वाले का करते तो आर माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो हमने एक सूत्र पढ़ा था के वाला, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने के वाला, इस फॉर्मूले को काम लेते हैं, ठीक है। इसके साथ में हमारा ये हमारा मैग्नीफिकेशन है, यहाँ मैग्नीफिकेशन में हमारा मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हम लोग। और ये हमारा साइन कन्वेंशन से एम एन एम प्राइम एन प्राइम जो है वो नेगेटिव आता है, ओके। अब हम लोग इस फॉर्मूले का और इसका एक नंबर दो नंबर इनका यूज करते हैं हम लोग, देखो कैसे। एक नंबर है हमारा, तो एक नंबर का है वो है एम इक्वल टू y2 टू बाई वाई वन, एक नंबर आया, ठीक है। और दूसरा नंबर का है हमारा गेरा हमारा y1 वन बाई वाई टू इक्वल टू वाई वन बाई वाई टू इक्वल टू वाई वन बाई वाई टू इक्वल टू व्यू माइनस आर क्यू माइनस आर यू माइनस आर अपॉन वी माइनस आर या आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी, ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन था, ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन आया। उसके बाद में एक और हम लोग इक्वेशन निकालते हैं की वाली इक्वेशन,